चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली आगजनी में उपद्रव को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना करौली पहुंचे हैं और इस दौरान सांसद मीना ने पीड़ित लोगों से मुलाकात की और हालचाल जाना। इस दौरान हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र लवानिया ने खास बातचीत की। किरोड़ी लाल जो सांसद हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और हालात उन्होंने जाने हैं शहर के कि किस तरीके का हालात है और इसमें जिस तरीके की घटना की गई थी उसमें तमाम जो लोग हैं बर्बाद हो चुके हैं, उनके सामने रोजी रोटी का जो संकट है खड़ा हो गया है। तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मैं उनसे चर्चा करूँगा। सर आप पधारें करौली में। अस्मिता का सवाल है, हिंदू अस्मिता का, स्वाभिमान का। रोजी रोटी तो कमा खाएंगे लेकिन उस करौली धरती जो हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ मदनमोहन जी विराजते हैं साक्षात कृष्ण भगवान, वहाँ राम के नारे नहीं लगा सकते, भारत माता जिंदाबाद नहीं कर सकते, वंदे मातरम नहीं लगा सकते। लगाते हैं तो पत्ते खट्टे इकट्ठा करके षड्यंत्रकारी छतों से पत्थर फेंकते हैं, घायल कर देते हैं, दुकानों में आग लगा देते हैं। आग लगाने वाले मुख्य आरोपियों को, पत्थर मारने वालों को आज तक नहीं पकड़ा जाता, बल्कि जिले की जो मीटिंग होती है उसमें बुलाया जाता है। तो ये एक हिंदू पक्ष को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया। आपने देखा कि पहले प्लानिंग बनाई गई, फिर दुकानों को लूटा गया, उसके बाद फिर आग लगाई गई। प्लानिंग बनाकर दो दिन पहले PFI के लोगों ने सरकार को सूचना कर दी कि हम ये प्लानिंग बन चुकी है, हम ये करेंगे। उसके बाद भी सरकार और यहाँ की पुलिस सावधान नहीं हुई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। और अब तुष्टिकरण अपनाते हुए एक पक्ष को परेशान कर रही है और असली अपराधी जो मुस्लिम समाज के उनको नहीं गिरफ्तार कर रही, इसलिए हम आए। तो अब क्या करेंगे, आप क्या प्लानिंग बना के आए? हम बताते नहीं क्या है, चले या पैदल ही चले? चले पैदल। आप बताएं क्या लग रहा है, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से न्याय दिलाने के लिए आप पहुंचे हैं, तो क्या करेंगे? अभी हम जिला प्रशासन से मिलेंगे। जी जी, जिला प्रशासन से मिलेंगे। जी जी, और उनको हमारी जो मांग है, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं जी उनको बताएंगे। आप आगे आओ। चलिए, तमाम बातचीत हमारी डॉक्टर किरोड़ी लाल जो मीणा हैं उनसे हुई हैं और वो प्रशासन की गाड़ी में वो यहाँ से रवाना हो गए हैं और वो चाहते हैं कि लोगों को न्याय दिलाएंगे। कैमरा पर्सन चेतन कांकोरिया के साथ पुष्पेंद्र लवानिया।